नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आप नहीं ला पा रहे, तो मेरा वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिए। काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। आज को मैं निफ्टी इंडेक्स का एक चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और इस चार्ट में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट कैसे चलता है और आप रियल टाइम में मार्केट को एनालिसिस कैसे करेंगे। देखिए, मार्केट में हजारों इंडिकेटर होता है, कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता है। बट अगर आपका पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजी है जो आपको नियर अबाउट 80 to 85% भी कंफर्मेशन दे रहा है, तो दिस इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा इस मार्केट में रिजल्ट लाना मुश्किल है। तो मैं देखिए सॉफ्टवेयर को कैसे फॉलो कर रहा हूं। अगर आप इंट्राडे में पैसा बनाना चाहते हैं तो चार्ट को समझना पड़ेगा, चार्ट रीड करना सीखना पड़ेगा। अगर आप चार्ट रीड करना सीख गए, चार्ट क्या बताना चाहता है वो अगर सीख गए, तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लॉस को रोक सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे चार्ट को समझते हैं, किस हिसाब से मार्केट को फॉलो करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, मैं आज को 15 तारीख का निफ्टी का एक चार्ट खोला हूं। ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। हर एक चीज एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट का ओपन वैल्यू से लेके ईच एंड एवरीथिंग। आज को ये जो कैंडल ओपन हुआ है, ये कैंडल आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर ये कैंडल का कलर आप देखेंगे, ये ब्लू सॉरी ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल इसीलिए है क्योंकि हम लोग का सॉफ्टवेयर में लास्ट बाय का कॉल देखे रखा है। बट एक्चुअली ये जो कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है। इसका अंदर फिलअप है, फिलअप मतलब बेयरिश कैंडल, मतलब ये एक्चुअली एक बेयरिश कैंडल बना है। अभी जो कैंडल है ये ओपन कहां पर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। मार्केट ओपन कहां पर हो रहा है ये चीज देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए हम लोग का सॉफ्टवेयर में यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन बोल के डॉटेड लाइन दिखाई देगा। अगर किसी दिन मार्केट ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ तो उसे हम लोग एज पर गैप थ्योरी ट्रीट करते हैं। मतलब आज को ब्रेकआउट का ऊपर ओपन हुआ है, मतलब अलग सा मार्केट में गैप, मतलब गैप थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हुआ, जस्ट इतना याद रखिए। एंड सेकेंडली आपको ये भी दिखाई दे रहा है जो अगले दिन का जो क्लोजिंग है, सॉरी आज का जो ओपनिंग है और अगले दिन का जो क्लोजिंग है, इसका अंदर आपको एक गैप भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक आपको पता चल रहा है जो यहाँ पर मार्केट गैप अप हुआ है मार्केट में। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ है। देखिए बहुत टाइम गैप दिखता है, बट ब्रेकआउट जोन का अगर ऊपर नहीं ओपन होता है तो उसे गैप थ्योरी में अप्लाई नहीं होगा। गैप थ्योरी में अप्लाई होने का फर्स्ट क्राइटेरिया है जो ये ब्रेकआउट जोन जो आपको दिख रहा है इसका ऊपर आज को ओपन होना चाहिए, और गैप रहा तो दिस इज वेरी गुड। अब आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक ट्रेडर क्या सोचेगा। गैप अप होने से मैक्सिमम चांसेस, याद रखिएगा, गैप अप होने से आपका जो फर्स्ट चांसेस होता है मार्केट नीचे गिराने का, और वो गैप को फिलअप करने का कोशिश करेगा। तो ये मार्केट का एक टेंडेंसी होता है जो अगर किसी दिन गैप अप होता है वो नीचे आता है और वो उसका गैप को फिलअप करना चाहता है। गैप फिलअप मतलब अगले दिन का जो क्लोजिंग वैल्यू है उसका बात कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर अगले दिन का क्लोजिंग वैल्यू यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, यहां पर टच करने का कोशिश करेगा। ये मार्केट का एक मतलब कंसेप्ट है, या मार्केट ये चाहता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए मैं यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं और कैसे इसको देख रहा हूं। अभी देखिए ये फर्स्ट कैंडल जो हुआ है ना, अब ये नीचे तभी गिरेगा जब ये फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ेगा। देखिए दो चीज हो सकता है, मार्केट गिरने का चांसेस है तो मुझे पता चल गया, बट ये कब होगा, जब फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है जो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, एकदम आप आंख बूंद के ऐसा नहीं सोच सकते जो नीचे जाएगा। ये जो फर्स्ट कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है आपको पता चल गया गैप थ्योरी अप्लाई हुआ है, अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो डिनोट कर रहा है। फर्स्ट कैंडल में देखिए ग्रीन स्टार दिया है, तो ये स्टार बाइंग का स्टार है। ग्रीन स्टार मतलब ये बाइंग का स्टार है, ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक ये फर्स्ट कैंडल का लो नहीं तोड़ता या फिर फर्स्ट कैंडल का हाई नहीं तोड़ता। अब जैसे देखेंगे यहां पर मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ा, मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ने का मतलब ही है ये थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसा केस में क्या आपको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा केस में आप सेल कर सकते हैं जब आपका ये नीचे वाला इंडिकेटर, जिसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं, अब नीचे वाला इंडिकेटर पे डायरेक्टली आ जाता हूं। देखिए फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ रहा है तो ये थोड़ा नीचे का तरफ मूवमेंट कर रहा है, बट ये मूवमेंट तभी आपके लिए सक्सेसफुल होगा अगर ब्रिक्स का कलर रेड होता है और ये वाइड लाइन का नीचे आता है। याद रखिएगा ये जो वाइड लाइन आपको दिख रहा है ना नीचे वाला इंडिकेटर पे, इसका नीचे जब ब्रिक्स आएगा तभी मार्केट डाउन की तरफ जाएगा।
तो देखिए ये थोड़ा सा नीचे तो आया था, बट ये वाइड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आया, तो अल्टीमेट यहां से देखिए धीरे धीरे मार्केट रिवर्स होना शुरू कर दिया, तो बहुत बंदा यहां पर फंस सकता है। सब कोई सोचेगा जो मार्केट गैप अप हुआ है, मार्केट नीचे जा रहा है, तुरंत ट्रेड कर लिया, नॉट लाइक दैट। नीचे का रिबन का कलर देखिए ग्रीन है, मतलब मार्केट में बायर्स बैठा है, और ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है ये सेंटिमेंटल काम करता है, ये अगर व्हाइट का नीचे आता है तब आप जाके चांस लीजिएगा, अदरवाइज चांस लेना नहीं है। तो यहां पर हम लोग चांस नहीं लिए क्योंकि ये वाइड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आया, अल्टीमेट मार्केट रिवर्स होना शुरू किया। अब रिवर्स होना शुरू करेगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, और ऊपर की तरफ कब भागेगा, वही फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, मतलब इस कैंडल पे आप बाई कर सकते हैं। देखिए सेलिंग मैंने किया नहीं, सेलिंग का तरफ गया, जिससे क्यों हुआ, मार्केट को थोड़ा सा फंसाया, ट्रेडर को फंसाया, उसके बाद स्मूथली ऊपर लेके चला गया। और इस टाइप का सिचुएशन से बचने का नियम क्या है, जो आप नीचे का रिबाउंड को देख सकते हैं, ब्रिक्स को देख सकते हैं, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर आपको सेलिंग की तरफ लाया नहीं, और नीचे का रिबाउंड भी ग्रीन है, तो जो बंदा यहाँ पर फंसा है, तो हम लोग का सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पर नहीं फंसेंगे, आराम से आप बाइंग की तरफ एंट्री लेके बाइंग की तरफ कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। धीरे धीरे देखिए मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आप छोटा सा एक प्रॉफिट बाइंग पे बना सकते हैं। ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, देखिए टारगेट 2 का साथ एक लाइन जो ऑलरेडी मार्ज हो गया है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर आप बाय किए हैं तो ये कॉल कितना ऊपर जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस का जो लेवल है ये मैक्सिमम लेवल होता है जहां पर मार्केट आपको रोकेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये जो 4 से 5 कैंडल का जो प्रॉफिट हुआ है ये हम लोग के लिए सियोर है, बट इसका बाद ये जो अभी रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, इसका बाद ये प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, दिस इज अ डाउटेबल। ऐसा केस में आपको क्या करना है, ब्रिक्स का तरफ ध्यान देना है। जो ब्रिक्स का कलर क्या ग्रीन है, जब तक ग्रीन है आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जैसे ब्लू होना शुरू किया तो समझ जाना है जो यहां पर पोजिशन फंसने वाला है। मैं इसीलिए फंसने वाला है बोल रहा हूं, देखिए अभी भी व्हाइट को तोड़ा नहीं है, बट उसका पहले मैं बोल रहा हूँ यहां पर मेरा मन में डाउट आ गया। रीजन ये है जो क्योंकि रेजिस्टेंस को ऑलरेडी हिट कर चुका है, रेजिस्टेंस अगर और ऊपर होता तो ये डर मेरा मन में नहीं आता। रेजिस्टेंस सोचिए अगर और भी ऊपर होता तो जब तक ये व्हाइट लाइन को नहीं तोड़ेगा तब तक मैं रिस्क लूंगा। तो सिचुएशन आइज आपको अपना थॉट चेंज करना है। तो ग्राफ एनालिसिस अगर आप सही से चार्ट को समझ जाएंगे, अगर आपके पास इस तरीके का कंसेप्ट है, तो काफी इजी हो जाएगा। तो अल्टीमेट देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया, मतलब मैं इसी जगह पे कोशिश करूंगा, ये जो ब्लू कैंडल आपको दिख रहा है, ब्लू ब्रिक्स दिख रहा है सॉरी, इसी ब्रिक्स में मैं मेरा पोजीशन को निकाल लूंगा। तो जो प्रॉफिट हुआ है छोटा मोटा, दैट्स एनफ फॉर मी। अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्रिक्स व्हाइट कलर का नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है ब्रिक्स बता रहा है, सेंटिमेंट बता रहा है मार्केट सेलिंग की तरफ जाएगा। अल्टीमेट यहाँ पर सेल का कॉल बन भी गया था, नीचे का रिबन भी रेड हो गया था, तो ये एक फ्रेश कॉल है। अब जब कोई फ्रेश कॉल बनता है उसका फ्रेश कंडीशन होता है हम लोग का, जो सिग्नल का पहले स्टार बनेगा, ये स्टार यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको रेड कलर का, नीचे का रिबन का कलर रेड होना चाहिए, ये मैच है और ब्रिक्स मैच है, तो तीन में से एक कंडीशन मैच नहीं है वो है स्टार। तीनों का तीनों कंडीशन मैच होगा तब जाकर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। अल्टीमेट देखिए धीरे धीरे मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया और यहाँ पर बाइंग का कॉल बन गया, तो मैं ये सेल का कॉल में ट्रेड नहीं किया, यहां पर लॉस खाने से बचे। अल्टीमेट ये जो बाय का कॉल बना है, अब कोई पूछेगा जो इस बाय का कॉल में क्या करना है, देखिए अगर मैं फ्रेश बाय का कॉल का कंडीशन दोबारा मैच करूंगा, बाय का कॉल में नीचे का रिबन ग्रीन है, ब्रिक्स ब्राउन को तोड़ने जा रहा है, और इस टाइम आपको देखना है जो इस बाय का कॉल का पहले कौन सा स्टार है। देखिए लास्ट एकदम सुबह को आया था ग्रीन स्टार, इसके बाद कोई रेड स्टार है नहीं, तो ऐसा केस में दोबारा रेड स्टार यहां पर सॉरी दोबारा ग्रीन स्टार बनेगा नहीं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर ग्रीन स्टार ऑलरेडी चल रहा है तो दोबारा ग्रीन स्टार नहीं बनेगा, थोड़ा सा वेट करना है। आप देखिए कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट कीजिएगा, जैसे कैंडल क्लोज हुआ नीचे का जो रिबन है वो देखिए ऑटोमेटिकली रेड हो गया, तो कैंडल क्लोजिंग तक थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे कैंडल क्लोज हुआ नीचे का रिबन क्या हो गया, रेड हो गया, मतलब ये कंडीशन आपका मैच नहीं हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिबोन ग्रीन होता है कि नहीं, अगर रिबोन ग्रीन नहीं हो रहा है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट क्या हुआ, मार्केट गिरा दिया, किसने बताया, ये ब्रिक्स ने, नीचे का रिबोन अभी भी रेड है। तो देखिए छोटा छोटा जहां पर हम लोग लॉस खा रहे हैं, लॉस तो छोटा हो रहा है, बट ऐसा करके दिन में अगर 2-3 बार लॉस खा जाएंगे तो आपका वही छोटा लॉस बड़ा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। अल्टीमेट देखिए यहां पर हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग अभी वेट करेंगे दोबारा कोई फ्रेश कॉल के लिए। अभी जैसे देखिए यहां पर दोबारा ब्रिक्स ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, इस चीज को समझिएगा। ये अगर ब्रिक्स ऊपर जाने का, ब्रिक्स एक्चुअली क्या करता है, स्कैल्पिंग कराता है, मतलब छोटा छोटा पोजिशन में एंट्री लेने का कोशिश करा रहा है।
बट ये ब्रिक्स जब आप ध्यान रहे, आपको ध्यान में रखना है नीचे का रिबन भी रेड है, ये ग्रीन हुआ नहीं है। तो ये दो चीज को जस्ट आपको ध्यान में रखना है, नीचे का रिबन और ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में चेंजेस हो गया बट रिबन अभी भी ग्रीन नहीं हुआ है। अब यहां पर रिबन ग्रीन हुआ है तो आप यहां पर ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये आपका ग्रीन डॉटेड लाइन है रेजिस्टेंस, जो ऑलरेडी सुबह को एक बार टच किया है और इसी जगह पे देखिए मार्केट घूम रहा है। तो रेजिस्टेंस एक बाउंडेशन होता है, हो ही सकता है ये रेजिस्टेंस को तोड़ के कभी कभार ऊपर लेके चला जाए, बट थोड़ा सा रिस्क बनता ही है। अल्टीमेट हम लोग देखेंगे सेम कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में ये ब्रिक्स ने दोबारा ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका मतलब ये है, जो आप रेजिस्टेंस पे घुस रहे हैं वहां पर मार्केट आपको उतना खास प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। अल्टीमेट मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर देखिए ब्रिक्स ने ब्राउन कलर का व्हाइट कलर का लाइन को तोड़ा, नीचे का रिबन ग्रीन हुआ। अब ऐसा केस में भी वही जो रेजिस्टेंस पे आ रहा है, आप चांस लेंगे या नहीं लेंगे आपका मैटर, यहाँ पर चांस कम होता है बट ऐसा नहीं जो ये कभी उठेगा नहीं। यहां से भी बहुत टाइम क्या होता है रेजिस्टेंस को तोड़ के भी ऊपर चला जाता है, अगर उस तरीका का मार्केट में कोई सेंटिमेंट रहे। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 3-4 कैंडल का मूवमेंट हुआ था, छोटा मूवमेंट मिला पर 3-4 कैंडल मूवमेंट किया था। अल्टीमेट देखिए यहां पर मार्केट अभी दोबारा गिर गया और यहां पर दोबारा सेलिंग का कॉल दे दिया। अब ये जो सेल का कॉल है यहां पर भी वही सेम कंडीशन है, जो सेल का कॉल बना है नीचे का रिबन देखिए अभी क्या है, ग्रीन है। ब्रिक्स भले आपका फेवर में है बट इस कॉल का पहले कोई रेड स्टार बना भी नहीं है, मतलब ये कॉल भी फॉल्स हो गया। तो अगर मैं फुल डे का एनालिसिस करता हूं, आप कितना बार ट्रेड कर पाए, सुबह को एक बार ही मौका मिला था इस जोन में जहां पर आप एक अच्छा बेनिफिट बनाए, उसका बाद से आप इस जगह पे अगर सेकेंड एंट्री लेते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में निकल रहा है। यहां पर भी छोटा मोटा 2-3 पॉइंट उसके बाद जब निकल एग्जिट कराया वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू हो गया, मतलब ये दोनों में तो प्रॉफिट कुछ खास हुआ नहीं, पहला में ही प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है ये भी पता चल रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे चला गया है। अब ये रेजिस्टेंस को तोड़ के और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, यहां पर एक डाउट हो जाता है। तो ऐसा केस में हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं या ट्राई नहीं लेते हैं, बट अगर कंडीशन मैच है तो आप एक बार रिस्क लेके मतलब कोशिश कीजिएगा, अगर हो सकता है कभी कभार रेजिस्टेंस को तोड़ के भी मार्केट 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट मूवमेंट कर जाए तो ऐसा केस में पैसा बना लीजिएगा। तो ये है एक ग्राफ, तो ग्राफ को लाइव मार्केट में इसी तरह से समझना है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है मार्केट में तो आपको ग्राफ देखना सीखना पड़ेगा, तो कौन सा इंडिकेटर क्या बोल रहा है। कंडीशन मैच होगा तो अटेम्प्ट लेंगे, कंडीशन मैच नहीं होगा तो अटेम्प्ट नहीं लेंगे। दिन में एक ना एक बार मौका जरूर मिलता है पैसा बनाने का, उस मौका को आपको ढूंढना पड़ेगा और जब तक तो वो मौका नहीं बनेगा आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे सुबह को एक ही बार वो मौका दिया था, उसका बाद से ये टोटली फ्लैट करके रख दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है बट फिर नीचे आ जा रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल जोन नहीं है, यहां पर बंदा लॉस खाता है, तो स्किप कर देना ही बेटर रहेगा। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरी दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।